हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर मॉर्निंग वीडियो। तो गाइस, हम आपके लिए बोर्ड लेकर आए हैं। वो मेरे एक सब्सक्राइबर की ही रिक्वेस्ट थी कि उसे चाहिए जीटीए इंडियन मोड। सो जीटीए सैन एंड्रियास का इंडियन मोड वाला वर्जन चाहिए था उन्हें। सो वो मैं अभी लेकर आ चुका हूँ। बस आपने क्या करना है, वीडियो को पूरी देखना है और जाते वक्त लाइक दे के जाना और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करना है। सो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, फटाफट से चलते हैं मुद्दे पे। आपको आप जैसे कि पता है, मैं पिन कमेंट में लिंक दे ही देता हूँ। तो पिन कमेंट से आपने सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है, देन आपने आ जाना है जहाँ पे डाउनलोड किया है वहाँ पे। सो ये री फाइल ये जीटीए मोड प्लेस वालों की तरफ से आती है। अगर आप इनकी ओरिजिनल वाली लिंक से करना चाहते हैं तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको आपने कर देना एक्सट्रैक्ट। तो भाई क्या इन्हें अच्छा मोड बनाया, तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी किया हुआ ये रहा। अब गाइज ये है एक सिंपली जीटीए इंडिया के नाम पे, समझो जीटीए 5 आपको सैन एंड्रियास में पूरा दिखने को मिलेगा। जैसे वो GTA 5 में मोड्स वगैरह दिखाता है और जो कार्स वगैरह लेता है, बिल्कुल ग्राफिक वगैरह हुड वगैरह आपको सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। सो ये इस फोल्डर में आने के बाद GTA सैन एंड्रियास इंडियन एडिशन में आने के बाद इंस्टॉलेशन में आना है और इधर इंस्टॉलेशन पर आ जाना है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन वीडियो को पूरा देखोगे तो फ़ायदा आपका ये, मेरा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छा मोड मिल जाएगा, दैट्स इट। मेरा इतना सही काम है। जैसे कि मैंने आपको GTA अमेरिका वाला मोड दिया, अगर आप इस वीडियो पे कर देते हैं 50 प्लस लाइक तो मैं लाऊंगा GTA पाकिस्तान का मोड। तो अभी फटाफट से ये मोड ऑन हो जाए। सो ऑन होने के बाद सिंपली जैसे इंस्टॉलेशन करते हैं वैसे ही कर देना। उसके बाद इंस्टॉलेशन में बोलेगा जहाँ पे आपने गेम इंस्टॉल की हुई है ना ऑलरेडी, इसके लिए आपको ऑलरेडी GTA सैन एंड्रियास चाहिए। अगर आपको उसकी भी लिंक चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बट गाइज अभी आपको उसके लिए ओरिजिनल सैन एंड्रियास चाहिए, फिर लोग आके बोलते हैं फेक बता रहे हो ये वो। सो मैं अभी ये क्लियर कर दूँ कि इसके लिए ओरिजिनल GTA लगेगी। सो उस वाले फोल्डर में ही आपने इंस्टॉल कर देनी है ताकि आपके सारे कटसीन वगैरह सब ओके चले, कि आपकी गेम कहीं पर भी क्रैश नहीं हो। देखें गाइस, अभी इंस्टॉलेशन ऑन हो चुका है, इधर ओके कर देता हूँ मैं। तो ये देखें गाइस, ये इंस्टॉलेशन ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट करता हूँ और इधर भी नेक्स्ट करता हूँ। तो ये GTA मोड प्लेस वालों की तरफ से आता है, फटाफट से नेक्स्ट करता हूँ। ये देखें, प्लीज सेलेक्ट योर ओरिजिनल GTA गेम फोल्डर। सो यहाँ पे आप, मैंने अभी ऑलरेडी किया हुआ है तो आप फिर भी आपको एक दफ़ा आपकी तसल्ली के लिए करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा गेम में मैंने रखा हुआ है और ये रहा GTA सैन एंड्रियास। इधर ओके करके नेक्स्ट कर देता हूँ। देन इधर अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकॉन रखना है इसका, नहीं तो वो आपके ऊपर है, मुझे नहीं रखना है। और अभी इधर इंस्टॉल का बटन दबाते ही गेम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, बट मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब आते हैं सेकंड मुद्दे पे। देखिए गाइस, विंडो 10 है, विंडो अगर आपके पास 7 है तो कोई भी बग या क्रैश आपके पास नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो आपने बस वीडियो पूरी देखनी है, आपने आ जाना है इसी फोल्डर के विंडो 10 पिक्सल में। इधर आने के बाद आपने ये सारा है ना, आपने कॉपी कर देना है। विंडो 8 और विंडो 10 में ये प्रॉब्लम कर सकता है, वैसे तो करेगा नहीं। देखें गाइस, अगर आपको HD वाले ग्राफिक चाहिए तब आपको, मैं आपको क्लियर कर दूं कि तभी आपको ये वाली फाइलें इसमें कॉपी करनी है। अगर आपको लो क्वालिटी वाले ग्राफिक चाहिए तो कोई इशू नहीं है, वो बगैर उसके भी चल जाएंगे इस फिक्सर के, वो नॉर्मल होंगे, आपको खास मज़ा नहीं देंगे। सो अभी फटाफट से आपको आ जाना है ग्राफिक इंस्टॉल करने। सो इसके लिए आपको ये रहा ग्राफिक वाला फोल्डर मिल जाएगा। अब वो आपके ऊपर, आपको कौन सा करना है। अब जैसे किसी को लो ग्राफिक रखने हैं, सो ये जो है ना पूरा डेटा, ये आपने कर देना है कॉपी अपनी गेम के फोल्डर में। जैसे मैं वेरी लो ग्राफिक रखे हुए हैं पहले से मैंने, अब मैं इसको मीडियम अल्ट्रा ग्राफिक पर लेके जाता हूँ और फिर आपको लास्ट में गेम प्ले भी दिखा दूँगा अगर मेरे रिकॉर्डर ने सपोर्ट किया तो। ये गेम, तो ओके गाइस,
थोड़ी बहुत फाइलें हैं तो इसको रिप्लेस मांगेगा, तो रिप्लेस कर देना। अब बराबर से चलते हैं गेम पे, आपको दिखाने के प्रूफ के गेम कैसी चलती है।